हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गाइस। इस सैटरडे नाइट, इस सैटरडे को आज हम करने वाले हैं समथिंग स्पेशल। आई नो वैलेंटाइन डे चला गया है, लेकिन वैलेंटाइन डे आज भी जिंदा है, क्योंकि जिस दिन आप प्यार सेलिब्रेट करना चाहो, जिस दिन आप लव सेलिब्रेट करना चाहो, आप किसी भी दिन सेलिब्रेट कर सकते हो। और आज इस मौके पर, क्योंकि वैलेंटाइन डे जा चुका है, लेकिन फिर भी हम आज इस मौके पर स्टोरी करने वाले हैं, क्योंकि हमारा स्टाइल है वो क्या, विद स्वैग का। और जब तक उसमें से स्वैग गायब है, तब तक हम क्या करेंगे, हम लोग स्वैग के साथ वो क्या करेंगे और पूरे मजे से करेंगे। बेशक वैलेंटाइन डे जा चुका है, लेकिन फिर भी आज भी प्यार हमारे अंदर जिंदा है और कुट कुट के भरा हुआ है। तो उस प्यार को सेलिब्रेट करते हैं आज। आज है एक स्टोरी, और वो स्टोरी है एक हसीना की, एक हसीना की और एक दीवाने की। एक हसीना थी और एक दीवाना था। अब आप लोगों को फाइंड करना है कि एक्चुअली में वो क्या हसीना थी, एक्चुअली में क्या वो दीवाना था, या कुछ और था, कुछ और ट्विस्ट था, क्योंकि ट्विस्ट एंड टर्न तो हर जगह होते हैं और इस स्टोरी में भी है। तो आप फाइंड करना, अपनी एक्साइटमेंट को बढ़ा लो थोड़ा, क्योंकि स्टोरी भी अब शुरू होने वाली है। सो गाइज, दिस इज श्वेता ऑन द वैदिकन यूट्यूब चैनल। वैदिकन यूट्यूब चैनल आप लोगों को और मेरे को जोड़ने का काम कर रहा है, और इसकी वजह से आप लोग पढ़ पा रहे हो, घर पे बैठ के अपने पूरे मजे कर पा रहे हो, वो क्या विद स्वैग कर पा रहे हो उसके साथ। तो इसी के साथ स्टोरी की कुछ बात ऐसी है कि मैं स्टोरी शुरू करूंगी। स्टोरी है एक लड़के की। फिलहाल स्टोरी में एक लड़का है, धीरे धीरे हम हसीना को भी ऐड करेंगे। आखिरकार वो हसीना क्या चाहती है, ये भी पता चल जाएगा हमें। तो शुरू करती हूँ। सीन यहाँ से शुरू होता है कि एक लड़का है जिसे जम्मू कश्मीर जाना है, और जम्मू कश्मीर जाना है उसके लिए वो बैठा हुआ है ट्रेन में, और उस ट्रेन के डिब्बे में, जिसका मैं नाम लूँ उसको क्या बोलेंगे, कोच, यानी ट्रेन के कोच में बैठा हुआ है। दैट इज सेपरेट सेक्शन ऑफ अ ट्रेन, यानी एक ट्रेन का जो सेपरेट सेक्शन होता है, अलग अलग सेक्शन होते हैं, तो ट्रेन का एक सेपरेट सेक्शन जिसको मैं क्या बोलूँगी, कोच। तो यहाँ से हमने फर्स्ट वर्ड याद करा कि वो लड़का जिसे जम्मू कश्मीर जाना है वो ट्रेन के एक कोच में बैठा हुआ है। याद करना, हमेशा फर्स्ट थिंग इज याद करना। तो कोच का मीनिंग क्या होगा, दैट इज सेपरेट सेपरेट सेक्शन ऑफ अ ट्रेन, दैट इज कोच। तो बेचारा जिसका सफर खूब ही लंबा है, वो यहां से बैठा है जम्मू कश्मीर जाने के लिए, और वो ट्रेन में बैठा है, ट्रेन के कोच में बैठा है, सोच रहा है क्यों ना कि इस सफर में, इतने लंबे सफर में काश मेरे पास कोई पार्टनर होता जिसके साथ मैं आराम से पूरा सफर तय कर पाता। तो उसकी जो फिलहाल जो सिचुएशन है, दैट इज ही इज रिलैक्सिंग, ही इज डिली डैली, यानी वो क्या कर रहा है, टाइम को अपने को वेस्ट कर रहा है और ख्यालों में डूबा हुआ है। तो फिलहाल जो टाइम वेस्ट कर रहा है, उसके लिए हमारे पास क्या वर्ड आएगा, फोटल, रिलैक्स और डिली डैली। ये तीनों वर्ड हैं जो सिनोनियम की तरह पक्का यूज हो सकते हैं और पक्का आपको याद करने हैं। फिलहाल वो ट्रेन में बैठा है और ट्रेन का सफर खूब लंबा है, तो वो उस लंबे सफर में फिलहाल अपना सोच सोच के क्या कर रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है। तो यहां से हमने दूसरा वर्ड क्या पकड़ा है, दैट इज रिलैक्स। दूसरा क्या है, रिलैक्स, फोटल, या फिर मैं कहूँ दिल्ली दिल्ली। दिल्ली दिल्ली को याद करना मस्त सा है, अजीब सा है, जो आपको पक्का याद करना है। यानी क्या कर रहे हैं हम, ये कर रहे हैं टू वेस्ट टाइम। इन सब का मीनिंग क्या है कि हम टाइम को क्या कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। तो उस ट्रेन के सफर में फिलहाल वो अपने टाइम को पूरा यूटिलाइज नहीं कर रहा है, वो ख्यालों में डूबा है और किसी चीज का वेट कर रहा है। अब ट्रेन में बैठा है, चाहता है कि उसके साथ कोई पार्टनर हो, उस पार्टनर के लिए वो क्या कर रहा है, फिलहाल वो वेट कर रहा है, दैट इज वेट अ मोमेंट। यानी मैं क्या बोलूंगी, ही इज कूलिंग हिज हील्स, और वी कैन से ही इज होल्डिंग हिज हॉर्स, यानी अपने घोड़े को संभाल के रखा हुआ है, घोड़े को संभाल के रखा हुआ है, दैट इज वो पेशेंटली वेट कर रहा है कि वहां पर कोई लड़की आ जाए और लड़की आके उसके सफर में उसका साथ दे। अब उसकी इच्छा है, उमड़ रही है, पर क्या कर रहा है, फिलहाल वेट कर रहा है कि पता नहीं मेरा साथ वाला पार्टनर कैसा होगा, जम्मू कश्मीर जाना है इतना लंबा सफर है, तो साथ वाले पार्टनर को भी तो बुलाना पड़ेगा। तो फिलहाल वो वेट कर रहा है, दैट इज वेट करने के लिए क्या है हमारे पास, कूल वंस ही, यानी वो आराम से बैठा है, आराम से वेट कर रहा है। नेक्स्ट हम क्या बोल सकते हैं, एक idiom और आती है हमारे पास, होल्ड वन हॉर्सेस, होल्ड वंस
हॉर्सेस दैट इज यानी उसके पास काफी पेशेंस है, वो काफी आराम कर रहा है. तो मीनिंग में लिख दो यहाँ पे, मीनिंग क्या होगा, वेट फॉर अ मोमेंट, यानी वेट फॉर अ मोमेंट, यानी अभी वो सिर्फ इंतजार कर रहा है. क्या पता उसका इंतजार, उसकी जो भूख है, उसकी डिजिटरेट है, जो उसकी डिजायर है, उसके जो क्रेव है, उसकी जो थ्रस्ट है, वो क्या हो जाए, पूरी हो जाए. तो उसकी जो इच्छा है जो बहुत उमड़ रही है, डिजिटरेट, डिजिटरेट एक वर्ड आता है हमारे पास. आप स्टोरी को भी सुनते रहिए लेकिन साथ साथ ये भी याद करते रहना, क्योंकि हमारा मेन फोकस क्या है, स्टोरी है, बट इवन दो हमारा मेन फोकस क्या है, वर्ड्स है. तो वर्ड्स को पक्का याद करो, दैट इज डिजिटरेट. डिजिटरेट और मैं क्या बोल सकती हूँ, क्या कर रहा है वो, फिलहाल इंतजार कर रहा है. ही फील अ कीन डिजायर फॉर, दैट इज अ कीन डिजायर फॉर, दैट इज ये एक फ्रेज है जो कि यूज होता है किसके लिए, कि आपके अंदर बहुत भूख है और आप वेट कर रहे हो. और क्या बोल सकते हैं, थ्रस्ट फॉर, यानी उसकी फिलहाल काफी अच्छी इच्छा है. थर्स्ट फॉर या फिर क्रेविंग, जैसे हम बोलते हैं ना, मुझे खाने की क्रेविंग हो रही है, यानी वो फिलहाल ये चाहता है. अब उसकी इच्छा क्या है, उसकी इच्छा ये है कि एक अच्छी सी लड़की आके उसके साथ उसके सफर में उसका साथ दे. और हम इसी मौके पर ऑल ऑफ अ सडन हम किसी एक हसीना को बुलाने वाले हैं. अचानक से उसकी जो दिल की इच्छा है वो पूरी हो जाती है, यानी अनएक्सपेक्टेडली कुछ हो जाना, सडनली कुछ हो जाना, उसके लिए क्या फ्रेज है, दैट इज ऑल ऑफ अ सडन. हम याद कर रहे हैं, देखो, दैट इज ऑल ऑफ अ सडन. ऑल ऑफ अ सडन का मीनिंग क्या होगा, सडनली, दैट इज सडनली कोई चीज हो जाना, या फिर मैं बोलूं अनएक्सपेक्टेड भी लिख देती हूं मैं, अनएक्सपेक्टेडली कोई चीज हो गई, दैट इज ऑल ऑफ अ सडन. अब क्या हो रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, मैं आपको अच्छे से स्टोरी एक्सप्लेन करती हूँ. ये वर्ड्स भी अभी जितने लिखे हैं सारे याद करती हूँ. स्टोरी क्या हुआ, स्टोरी में ये शुरू हुआ था कि एक लड़का जिसे जम्मू एंड कश्मीर जाना था, वो एक कोच में बैठा हुआ था और कोच में बैठ के बिल्कुल रिलैक्स कर रहा था. उसके पास टाइम ही था कि वेस्ट कर लूँ, लेकिन इसी में वो वेट कर रहा था कि कोई ना कोई एक लड़की ही मिल जाए, वो लड़की उसके साथ आके बैठ जाए और वो क्या करे, आराम से इंजॉय कर पाए. तो फिलहाल ही इज कूलिंग हिज हील्स, ही वॉज होल्डिंग हिज हॉर्स. तो वो पूरा वेट कर रहा था. उसकी जो डिजिटरेट थी, उसकी जो इच्छा थी, उसकी जो विश थी, उसकी जो डिजायर थी, उसकी जो थर्स्ट थी, उसकी जो भूख थी, उसकी जो क्रेविंग थी, वो पूरी हो गई ऑल ऑफ अ सडन. यानी सडनली सामने से एक खूबसूरत सी लड़की आ जाती है, यानी एक करिज्मेटिक ब्यूटी जो है, दैट इज मैं बोलूँ, जिसको बोलूँ एक कंपेलिंग चार्म है जो उसको मजबूर कर रहा है उसकी तरफ देखने के लिए. ऑल ऑफ अ सडन एक हसीन सी लड़की वहां पर आ जाती है और वो जैसे ही एंट्री करती है, उसके लिए सोने पर सुहागे वाली बात हो जाती है. उसने सिर्फ एक लड़की इच्छा की थी कि कोई भी लड़की आ जाए, बस उसका सफर जो हो जाए वो खूबसूरत हो जाए. और वहां पे करिज्मेटिक ब्यूटी आ जाती है, यानी करिज्मेटिक का मीनिंग क्या होगा, एक्सरसाइजिंग अ चार्मिंग, अ कंपेलिंग चार्म, यानी उसका जो चार्म था उससे बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, इसीलिए हम उसे हसीना बुला रहे हैं. अब यहाँ पे एक और वर्ड किया हमने, करिज्मेटिक. अब करिज्मेटिक का मतलब ही समझो, करिज्मेटिक होता क्या है, करिज्मेटिक होता है दैट समवन हु इज एक्सरसाइजिंग अ कंपेलिंग चार्म. कंपेल का मीनिंग क्या होता है, मजबूर करना किसी चीज़ को, और उसके चार्म से बचना बहुत मुश्किल था. तो उसकी जो इच्छा थी वो पूरी हो चुकी है और एक सुंदर सी हसीन लड़की, करिज्मेटिक वाली ब्यूटी उसके सामने आती है और बिल्कुल उसकी सीट के सामने क्या कर जाती है, वहाँ पे बैठ जाती है बिल्कुल उसकी सीट के सामने, उसकी लीनियर पोजीशन में, जहाँ वो उसको आराम से देख सकता है और वो लड़की भी देख सकती है. दैट इज यानी लीनियर, यानी अनडेविएटिंग, यानी डायरेक्ट बिल्कुल स्ट्रेट उसके सामने आके बैठ जाती है. मीनिंग क्या हुआ, देखो एक वर्ड और याद किया हमने, लीनियर, या फिर दूसरा वर्ड किया है हमने, क्या याद किया यहाँ से, डायरेक्ट, और फिर क्या किया है, अनडेविएटिंग याद करो, अनडेविएटिंग, या फिर मैं बोलूँ डायरेक्ट उसके सामने आके बैठ जाती है, यानी
बिल्कुल फॉलो योर नोज बोलते हैं ना, बिल्कुल नाक की सीध में आके उसके बैठ जाती है। अब अंदर ही अंदर उसके मन में बहुत कुछ चल रहा है, वो सोच रहा है कि मैंने सिर्फ एक लड़की मांगी थी और मुझे करिश्मेटिक ब्यूटी मिल गई, यानी उसके लिए क्या हो गया है, आइसिंग ऑन द केक। आइसिंग ऑन द केक एक और फ्रेज है, दैट इज यूज किसके लिए यूज होता है, आइसिंग ऑन द केक। आइसिंग ऑन द केक का मीनिंग है सोने पर सुहागा, यानी जिसको मैं बोलूँ चमत्कार हो गया। आपने मांगी थी एक लड़की, लेकिन एक खूबसूरत सी लड़की आ गई, दैट इज मिरेकल। लड़कियां तो सुंदर ही होती है, लेकिन फिर भी जो जिसको मैं बोलूँ करिश्मेटिक ब्यूटी आ गई, दैट इज मिरेकल। अब मिरेकल हो चुका है, चमत्कार हो चुका है, उस सिचुएशन में क्या है, वो लड़की उसके सामने बैठी हुई है और फिर वो अपने ख्यालों में डूब जाता है। भाई बहुत सुंदर है ये लड़की, इस लड़की से तो मैं पक्का बात करके रहूँगा, इस लड़की से मैं खूब बातें करूँगा, और वो लड़की उसके सामने बैठी है। अब इस सिचुएशन में क्या होता है, वो लड़की उस जगह से उठकर उसके बिल्कुल बाजू वाली सीट पर आके बैठ जाती है, उसके बिल्कुल साथ बैठ जाती है। अब इतना खुश, पहले ही इतना खुश है, पहले ही आइसिंग ऑन द केक हो चुका है उसके लिए, पहले ही कुछ चमत्कार हो चुका है। दूसरी सिचुएशन में क्या हुआ कि उसके सामने आके, उसके सामने जो बैठी थी वो लड़की उसके बाजू में आके बैठी है, यानी क्लोज बाय या द बाय द साइड ऑफ अबट। एक और वर्ड आता है हमारे पास, दैट इज अबट, या फिर मैं बोलूँ क्लोज बाय, या फिर मैं बोलूँ बाय द साइड ऑफ, बाय द साइड ऑफ। ये जितने भी फ्रेज हैं, दैट इज यूज फॉर कि उसके साथ में, उसके पास, बाय द साइड ऑफ, तो इसके साथ आके बैठ गई है। अब क्या होगा, अंदर और खुशी हो रही है क्योंकि आइसिंग ऑन द केक है, उसके अंदर और खुशी हो रही है, वाह तेरी किस्मत, क्या किस्मत है, क्या किस्मत पाई है तूने कि वो लड़की खुद ब खुद, ना तेरे कुछ बोले, वो खुद ब खुद तेरे साथ आके बैठ गई। और इस सिचुएशन में आगे क्या होगा, सुनिए ध्यान लगा के सुनना क्या हुआ आगे। आगे ये होता है कि वो लड़की उसके पास जाती है और उसके कान में हल्के हल्के से कुछ कहती है, और वो लड़का उस चीज़ को सुन के, अब ये आप सोचना कि उसने क्या बोला है, वो लड़का बैठा हुआ है, उसके साथ में एक लड़की बैठी हुई है बाय द साइड ऑफ, और वो लड़की आराम से उसके कान में कुछ ना कुछ कह जाती है। अब वो क्या कहती है, वो क्या मर्मर करती है, वो क्या मंबल करती है, वो क्या मटर करती है, एक लास्ट वर्ड आज का जो हमें याद करना है, दैट इज मंबल। मंबल, मटर, या फिर मैं बोलूं क्या बोलेंगे, मर्मर, दैट इज। अब वो क्या विस्परिंग करती है, वो क्या बोलती है उसके कान में, सोचते रहिए। और जिसको पता चल जाए कि वो हसीन सी लड़की उसके पास आके, उसके साथ बैठ के उसके कान में कुछ उसने आराम से कहा है, अगर मैं आपको बोलूँ तो क्या बोलेगी वो, आप सोच के देखना क्या है। तो आज हमने ये सारे वर्ड्स याद किए हैं विद दिस ब्यूटीफुल हसीना, विद दिस करिश्मेटिक ब्यूटी, विद दिस दीवाना, विद दिस दिस लड़का। ये लड़का काफ़ी अच्छा है, आप लोगों को बाद में पता चलेगा, और ये लड़की भी काफ़ी अच्छी है। आप लोग सोचते रहिए कि क्या उस लड़की ने क्या बोला है उस लड़के को, आखिर वैलेंटाइन डे वाला दिन है तो उसने कुछ अच्छा ही बोला होगा, मेरी तो यही उम्मीद है कि वो कुछ अच्छा बोले। या आप कुछ बुलवाना चाहते तो मैं बुलवा दूंगी उससे, आप लोग जो भी चाहते हैं, जैसे भी आपको स्टोरी लग रही है, जैसे भी आपने ये वर्ड्स याद किए विद द हेल्प ऑफ दिस स्टोरी, अगर आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आज हमने खूब अच्छी स्टोरी की है, सस्पेंस है थोड़ा, आगे बताइए मुझे क्या उस लड़की ने क्या कहा होगा उसके कान में, पहले जो उसके स्ट्रेट बैठी थी वो उठकर उसके साइड में आई है, कोई तो रीज़न रहा होगा, कुछ तो उसने बोला होगा। तो सोचते रहिए, जिसको जवाब मिल जाए वो कमेंट्स में डाल दें, मुझे मैं आपकी कमेंट्स डेली पढ़ती हूँ। या फिर आपके पास कोई स्टोरी है जिसको आप चाहते हो कि मैं एक्सप्लेन करूं वर्ड्स के साथ, तो प्लीज़ आप फेसबुक पेज पर डाल सकते हो, वेदिकन के फेसबुक पेज पर डाल सकते हो आप, या फिर कमेंट्स में भी डाल सकते हो कि फ्यूचर में आपकी स्टोरी यूज़ हो जाए, आप हीरो बनो और फिर वो पूरी दुनिया देखे। तो गाइज ऐसे ही जुड़ते रहिए, आज की स्टोरी में मुझे खूब मज़ा आया, आप लोगों को मज़ा आया तो प्लीज़ इसको लाइक करो, शेयर करो, बेल आइकन प्लीज़ प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए नेक्स्ट वीडियो कब आने वाली है। तो ये हसीना थोड़ी सी खतरनाक, मैं नहीं कहना चाहती, ये हसीना थोड़ी सी प्यारी है, अगर आपको पसंद आई तो लाइक करो। इसी के साथ आपसे डेली मिलते हैं इसी स्टोरी को लेके नेक्स्ट पार्ट में, जल्दी मिलेंगे आप लोगों से, तो आप प्लीज़ ऐसे ही जुड़ते रहिए। तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।